वेलकम दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने प्रीवियसली स्टेयर्स का एक आपको ट्यूटोरियल डाला था, उस टाइम पर मैंने बताया था कि मैं अभी इसके लिए एक एडवांस वीडियो भी डालूंगा। बट इन द मीन टाइम मुझे एक क्वेरी आप लोगों की तरफ से मिली है, जिसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ उसको एक शॉर्ट क्लिप में आपको समझा दूँ। बेसिकली एक कस्टम स्टेयर बनानी है, जिसमें नीचे ब्रिक की फिलिंग या कोई भी चीज़ की फिलिंग शो करनी है। तो मेरे एक व्यूअर ने उसको अपने एक रेविट फैमिली बनाकर भेजा, रेविट प्रोजेक्ट में, जिसमें इन प्लेस फैमिली यूज करके बनाया। बट उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि रेलिंग्स कभी भी फिर उसके साथ एसोसिएट नहीं हो पाती, जैसे हम चाहते हैं डिजायर्ड शेप में। आप राइट साइड में देखेंगे जो हमने बनाया है, जो डिजायर्ड वे होना चाहिए, अप्रोप्रिएट वे, वो सही तरीका है। लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है उसमें रेलिंग होस्ट नहीं हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं इसको हम किस तरह से अचीव करेंगे। जैसे कि देखिए, हमने ये जो राइट साइड में बनाया है उसमें प्रॉपर स्टेयर्स, मोनोलिथिक स्टेयर्स यूज करी है, और नीचे की फिलिंग जो है वो इन प्लेस हो सकती है। बिकॉज टॉप ऑफ द स्टेयर जो है, जो फिनिश है, उसको हमें स्टेयर्स कैटेगरी में प्रॉपर स्टेयर्स ही बनाना होगा, तभी रेलिंग होस्ट करेगी। एक न्यू फाइल में इसको बनाऊंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ बेसिक स्टेप्स आप समझ लेंगे तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीज़ें हम इसमें अडॉप्ट करते हैं। और इसमें ज़्यादातर वही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम अपने स्टेयर्स को स्मूथ या स्टेप्ड दो तरीके से बना सकते हैं। इस मैं बेसिकली मैंने स्टेप्ड स्टेयर को ही यूज़ किया है, विदाउट यूजिंग एनी ट्रेड एंड राइजर फिनिश। तो ये जो जो स्टेयर्स इन प्लेस फैमिली से बनाई गई है, जिस पर रेलिंग होस्ट नहीं हो पा रही है, ये वो है। उसको हम एक सेक्शन ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या डिजायर्ड डायमेंशन है ट्रेड एंड राइजर्स की, और क्या तरीका है, कैसे बनी हुई है वो। इसको वायर फ्रेम करके देखिए, देखिए रेलिंग जो है नीचे लेवल से होस्ट हुई हुई है, और उसको हम चाहते हैं जैसे स्टेयर्स पे हर एक ट्रेड पे हमारे बैलेस्टर्स आना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। तो उसके लिए हम नॉर्मली सबसे पहले अपनी स्टेयर्स कमांड ले लेते हैं, और स्टेयर्स कमांड में हम देखेंगे कि सबसे पहले, सॉरी, इसके लिए हम एक चीज़ ये कर लेते हैं कि हमारा लेवल टू लेवल क्या हाइट है। अभी ये इम्पीरियल में था, हम इसको मिलीमीटर्स में कर लेते हैं, और लेट से दिस इज 3 मीटर्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेयर्स हमेशा लेवल टू लेवल ही बनता है, हमको राइजर्स जो हैं उसी से ड्राइव होते हैं कि कितना राइजर हमको रखना है। मैंने 3 मीटर कर लिया, दिस इज अ राउंड ऑफ वैल्यू। अभी मोनोलिथिक स्टेयर लेके हम एक ड्रॉ करेंगे सिंपल स्टेयर्स। हम यह मोनोलिथिक स्टेयर को कस्टम स्टेयर करके उसको सेव कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारी एक कस्टम स्टेयर होगी, कोई भी नाम हम डिजायर्ड नाम दे सकते हैं इसको, दैट्स इट। अब हम इसको स्ट्रेट से लेकर स्ट्रेट कंपोनेंट से ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल, हमको नंबर ऑफ एक 1 2 3 3 राइजर्स चाहिए हैं। 1 2 3, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 4 राइजर्स ड्रॉ किए हुए हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पर एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, वो आपको दिखाऊंगा कि बिगिन विद राइजर या एंड विद राइजर का इसमें एक ऑप्शन होता है, उसको यूज करके हम किस तरह से एंड वाले राइजर को हटाकर उसको एक जैसे लैंडिंग क्रिएट करिए, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें यह दिख रहा है वो हम कैसे अचीव करेंगे। तो इसके प्रोजेक्शंस ले लिए बेसिकली रेफरेंस प्लेन से ही, सो दैट हम बिल्कुल उसी डायमेंशन पे बना लेंगे और अलाइन करके। तो ये बेसिक स्केच कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देखना है कि ये कॉम्पोनेंट बेस्ड स्टेयर है। सबसे पहले तो इसको हमको मैं इसके साथ अलाइनमेंट पे रख लेता हूँ। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाया है, आप उसको नोटिस कीजिएगा। अब इसको एडिट करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो ये एक मैसेज आता है कि एक बार कन्वर्ट कर लिया आपने तो वापस ये कंपोनेंट बेस नहीं हो पाएगा। देन वी विल एडिट, अब वी विल स्टार्ट अलाइनिंग विद द रेफरेंस प्लेन जो हमने लिए हैं प्रोजेक्शंस। और लास्ट वन जो है वो मेजर कर लेते हैं कि ट्रेड कितना लिया है। इट इज 280, सो ओके, विल मेक इट 280। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम इसको कंसिस्टेंट करने के लिए लास्ट वाला जो है वो वैनिश हो जाएगा। लास्ट, सॉरी, फर्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेप। इसके रन को हमने स्ट्रेच कर लिया फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, और अब ये विड्थ कितनी है वो भी चेक कर लेते हैं। दिस इज सम 2591, एग्जैक्ट विड्थ इज 2591, वट एवर इट इज समथिंग अराउंड 2591।
2607, so we'll make it a round of dimension. As per your requirement, you can edit it. We'll make it to 2500, keeping the run at the center. Okay, this is 2500. This run should start from the first riser. Okay, begin with riser and end with riser, we have to turn it off, we have to uncheck. And then the desired number of riser is one of the another thing which we need to check. Ek message to aata hi hai ki humne, we are not reaching the destination, because जो डेस्टिनेशन है दिस इज लेवल 2, टॉप लेवल हमने लेवल 2 दे रखा है. डिजायर्ड नंबर को अगर मैं 20 कर देता हूँ तो एक्चुअल राइजर हाइट जो है ना 150 आ जाएगी, बिकॉज मैंने 3 मीटर ले रखा है अपना लेवल 2 लेवल. अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमको 150 का राइजर अचीव हो गया है. ऑलराइट, दिस इज 150. अब हम इसको एडिट करना स्टार्ट करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हम जैसे जानते हैं कि रन टाइप से ही सारी हमारी स्टेयर गवर्न होती है. यहाँ पर स्मूथ है और ये 3x4 इंच नोजिंग को हम रीनेम कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20mm नोजिंग. ओके, उसके बाद स्ट्रक्चरल डेप्थ को लेट से, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल जो क्वेरी वाली फाइल है उसमें 40mm ले रखा है, तो विल मेक इट 40mm. विल मेक इट स्टेप्ड अंडर साइड सरफेस, स्लांटेड हमको नहीं चाहिए है. और ये नोजिंग लेंथ हम 20mm कर लेते हैं. ओके ओके, वी कैन सी हमारा मोटा मोटा एक जो फिनिश है वो तैयार हो गया है. दिस इज 40mm एंड फिनिश ऑन द ट्रेड इज ऑल्सो 40mm बिकॉज द स्ट्रक्चरल डेप्थ वी हैव टेकन 40mm. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें स्टेप्ड करना है. स्ट्रक्चरल डेप्थ जो भी हमें रखना है, अभी हमने 40 रखा है. मोनोलिथिक मटेरियल में अगर हम फिनिश में कंक्रीट नहीं रखना चाहते हैं, कास्ट इन प्लेस इसमें लगा हुआ है पहले से, हम उसको टाइल्स या कोई भी डिजाइड जो भी हमारे पास अवेलेबल मटीरियल होगा वो हम लगा सकते हैं. सो यहाँ पर अभी हमारे पास ज़्यादा मटीरियल्स नहीं है, तो जो भी मटीरियल हमारे पास है उनमें से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाने के लिए बता सकते हैं कि ये मटीरियल हम कैसे एडिट करते हैं. इसमें क्वेरी टाइल है ऑटोडेस्क लाइब्रेरी का, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं. और इस क्वेरी टाइल का हम देखेंगे कि इसके ग्राफिक्स के अंदर कट पैटर्न अभी डन था, बट हमको चाहिए टाइल्स पे कुछ लाइन आना चाहिए, तो हम वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं और ओके ओके करके देखेंगे. यहाँ पर ट्रेड हमने नहीं लिया है, 20mm नोजिंग लेंथ लिया है. प्रोफाइल पे भी हमने कुछ नहीं लगाया, राइजर हमने नहीं ऑप्ट किया है, तो ये हमको लाइंस आने लगी टाइल्स की. थोड़ा सा और इसको डेंस चाहिए लाइंस, तो वहाँ पर एक और हैच पैटर्न हमारे पास है, स्मॉल वर्टिकल करके होता है, वर्टिकल स्मॉल. ओके, हम कस्टम भी बना सकते हैं, मैं किसी अपने फर्दर वीडियो में ये भी बताऊंगा कस्टम अपने पैटर्न्स कैसे बनाते हैं. तो ये हमारी फिनिश तैयार हो गई है. अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, अब हम चलेंगे उस पर नोजिंग के लिए. तो नोजिंग के लिए जैसे अभी आपको मैंने एडिट मोड में दिखाया था कि यहाँ पर हमने नोजिंग को डिफॉल्ट रखा हुआ है, बट यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन में इसमें स्टेयर नोजिंग पैन इस नाम से एक नोजिंग का प्रोफाइल लगा हुआ है. हम अपना प्रोजेक्ट ब्राउजर में फैमिलीज को एक्सपेंड करके प्रोफाइल्स के फोल्डर में जाके देखेंगे, उस नाम से हमको मिल जाएगा, जिसको एडिट करना आसान है. या फिर हम एक नई प्रोफाइल भी लोड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ, ये भी एक ऑप्शन है. मैंने इसको एडिट किया राइट क्लिक करके, मेरी ये फैमिली खुल गई स्टेयर नोजिंग पैन. और अब हम इसको सेव एज कर देंगे, एडिट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. ये हम एक रेक्टेंगुलर पहले बना लेते हैं, एक बॉक्स. दिस इज ऑल्सो इम्पीरियल, वील हैव टू फिक्स द यूनिट फर्स्ट. यूनिट हैज टू बी मिलीमीटर, बिकॉज हम मिलीमीटर्स में बना रहे हैं सब. ओके, वील मेक इट से 20mm, अगेन 20mm, 20mm बाई 20mm इज अ बॉक्स फॉर नोजिंग प्रोफाइल. हमको एक अगर कर्व चाहिए है फिनिश एज पे,
तो हम उसको एक आर्क बना लेते हैं, सेमी सर्कल, ट्रिम कर दिया। और ये मेरा नोजिंग का प्रोफाइल तैयार। इसको डिलीट कर दिया लाइन को और सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कोई टाइप नेम अगर पड़ा हुआ है तो हम उसको डिलीट कर देंगे पहले जाके, लेकिन कोई टाइप नेम नहीं था। अब हम इसको सीधे सीधे सेव एज कर लेते हैं। स्टेयर नोजिंग, यहाँ पर हम इसको कस्टम कर देंगे या जो भी हम नाम देना चाहें हम इसको नाम दे सकते हैं। ये 20x20 के बॉक्स पे, जिसपे फिनिश एज उसका मैंने कर्व रखा है, इसको लोड कर देते हैं। अब जो डिफॉल्ट हमने नोजिंग प्रोफाइल लगा रखा था उसमें हम इसको अपडेट करके देखेंगे, रिप्लेस करेंगे इससे। आप देखेंगे वहां ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन आ जाएगा जो हमने लोड कर दिया है, ये कस्टम स्टेयर नोजिंग कस्टम। जैसे ओके ओके, दिस इज 20x20। सो अगर हमको 40x20 चाहिए है तो अगेन हम इसको एडिट कर लेंगे। ये तरीका है कि कैसे हम प्रोफाइल को एडिट करते हैं और कैसे यहाँ पर अपडेट होता है। दिस इज 40 mm, ओके। हम चेक कर लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी, 30, ओके, विल मेक इट 20 ओनली। ये लाइंस को डिलीट करके हम आग को मूव कर लेंगे तो इट विल बी 20x40, परफेक्ट। नाउ वी कैन लोड इट इनटू द प्रोजेक्ट, अपडेट। पर थोड़ा ट्रिकी है, हमको एक बार उसको फिर से एडिट करके दोबारा से लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक इसने अपडेट नहीं लिया है। विल मेक इट, ठीक, मेक सम चेंज हेयर। द प्रोजेक्शन हैज टू बी 20, सो विल मेक इट 20 अगेन। डन, इट इज डन नाउ। सो आर नोजिंग इज कंप्लीट। हमारा ट्रेड और राइजर की जो फिनिश है वो हमने स्टेयर को स्टेप्ड करके तैयार कर लिया। अब रेलिंग इस पर एसोसिएट है ही, जैसे हम देख सकते हैं, बस रेलिंग के पाथ को हम रीडिफाइन कर देंगे, एडिट कर देंगे उसके पाथ को, अपडेट कर देंगे एज पर दी स्टेप। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है ना वो हमने बिगिन विद राइजर और एंड विद राइजर वाले केस में हमने फर्स्ट राइजर को यूज नहीं किया है। दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड वन एक्स्ट्रा राइजर। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हमने फिलिंग बना रखी थी इन प्लेस फैमिली में, तो उसको हम यूज कर लेंगे। ये हमारी जो फिलिंग है नीचे वाली, इसको हम यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, दिस इज वॉल्स, वॉल्स वन, वॉल्स वन, ओके, हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किए हुए हम जाते हैं प्लान में, यहाँ चेक कर लिया अभी सिलेक्टेड है, प्रॉपर्टीज में चेक कर ली क्या चीज सिलेक्टेड है, वॉल, ओके, वॉल सिलेक्टेड है। बस हम सिर्फ मूव कमांड ले लें या कॉपी ले लें, वट एवर, यहाँ से कॉपी करके। ये सिर्फ इसलिए है कि हम एक बनी बनाई चीज को दोबारा से रीड्रॉ ना करना पड़े, हम उसी को यूज कर लें। दिस इज स्मार्ट वर्किंग। इसको प्रॉपर अलाइन करेंगे एक एज से और दूसरे एज पर हम उसको उसकी फैमिली में जाके मॉडिफाई कर देंगे। क्योंकि ये स्वीप से बनाया गया है तो स्वीप का पाथ हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, इसको हम एडिट कर देंगे, अपडेट कर दिया, फिनिश। तो ये इसकी वेट ठीक हो गई है। अब स्वीप में क्योंकि एक पाथ होता है और एक प्रोफाइल होता है, तो इसके एलिवेशन पे, सॉरी सेक्शन पे हम जाएंगे, देखेंगे ये जो हमारा स्टेप्स हैं बेसिकली ये प्रोफाइल पे बनाया गया है। स्वीप को एडिट करेंगे, इसको पकड़ के एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन एक्टिव होगा और वहां से ये स्केच मोड में आ जाएगा। हम अलाइन कर देंगे अपने राइजर्स के साथ, हियर वी गो। और ये हमारा फिलिंग का जो इन प्लेस में जो मास्क बना हुआ है वो तैयार है, फिनिश। अब इसमें हम यहाँ पर मटेरियल ऐड कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। अगर सपोज हम ब्रिक वर्क रखना चाहते हैं तो वील सर्च फॉर ब्रिक। अब ब्रिक में ब्रिक कॉमन और ब्रिक सोल्जर कोर्स, ये दो डिफॉल्ट मटेरियल रहते हैं, इनमें से ही हम कोई सा यूज कर लेते हैं। एक ये ब्रिक सोल्जर कोर्स है और एक ब्रिक कॉमन, ब्रिक कॉमन को हम यूज कर लेते हैं। इसके कट पैटर्न में जो डायगोनल अप था वो हैच आ गया। हम कोई दूसरा भी हैच चाहें तो उसके ग्राफिक्स में जाके कर सकते हैं। फिर इसकी कैटेगरी को हम यहां से एडिट करके स्टेयर्स कर लेंगे, क्योंकि वॉल्स रखने का कोई मतलब नहीं है।
और फिनिश, फिनिश्ड स्केच। अब हम इसका नाम देखेंगे, तो पहले इट इज टेलिंग अस द कैटेगरी स्टेयर्स देन वॉल्स टू एंड वन। अब हम इसको रीनेम भी कर देते हैं सो दैट इट विल बी एज गुड एज फैमिली सिस्टम फैमिली। ये वॉल्स वन, क्योंकि जो इन प्लेस फैमिली हम जो भी बनाते हैं वो फैमिली के फोल्डर में ही स्टोर होता है। इसको हमने नाम दिया स्टेयर्स, स्टेयर्स फिलिंग, ओके। और इसकी टाइप में हम नाम दे देते हैं से ब्रिकवर्क, ब्रिकवर्क, डन। ओ दिस इज नॉट डन, ओके। ये मेरा मिस्टेक है कि मैंने इसकी कैटेगरी जब चेंज कर दिया है तो ये स्टेयर्स कैटेगरी में है, अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। वो जो मैंने अपडेट किया है वो पुराना वाला, एग्जिस्टिंग जो मेरा सॉलिड था वो अपडेट हो गया है। यहां से ये नाम कॉपी कर लेते हैं और इसको एडिट करके इसमें डालेंगे, बट ये सेम नाम नहीं लेगा क्योंकि एक नाम की दो फैमिली नहीं हो सकती हैं। हम इसमें कुछ सफिक्स लगा देते हैं, वन, एंड देन इट विल बी स्टेयर्स फिलिंग, और टाइप कैन बी ऑफ सेम नेम, ब्रिकवर्क। कॉपी करके यहाँ पर ब्रिकवर्क डाल देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रॉपर सही कैटेगरी में सही नेमिंग के साथ स्टेयर्स, स्टेयर्स फिलिंग एंड ब्रिकवर्क, इट इज शोइंग द फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस फिलिंग। एंड दिस इज स्टेयर्स कास्ट इन प्लेस, दिस इज इन प्लेस फैमिली, द फिलिंग इज इन प्लेस फैमिली, द फिनिश इज बेसिकली स्टेयर्स कास्ट इन प्लेस स्टेयर। प्रॉपर्टी में चेक कर लें, दिस इज अ स्टेयर एंड दिस इज अ रेलिंग। तो एवरीथिंग इज ओके नाउ। हम 3D व्यू में जाके देख लें कि अब हमने जो सही जो अचीव किया है वो स्टेयर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे वो जो स्टेयर था उस पर हम रेलिंग को एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, अब वो ऑब्सोलीट, हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये था मेरा एक डेमो आपको समझाने का छोटा सा, कि जिसमें आपको आपकी क्वेरी जो थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा हम किस तरह से इसको अचीव करते हैं। 150 जो राइजर आया था वो 20 नंबर ऑफ स्टेयर्स डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स करने से आया था, क्योंकि हमने, मैं ये बात खास है आपको समझाने के लिए कि मैंने लेवल टू लेवल 3 मीटर ले रखा है, और 3 मीटर को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो इट विल कम डाउन टू 150 mm, और 150 mm हमारा डिजायर्ड राइजर हाइट थी। हम सेक्शन में चेक कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क दिख रहा है, या हम जो भी हैच पैटर्न चाहते हैं वहां डाल सकते हैं। हम कंक्रीट चाहें तो कंक्रीट कर सकते हैं। ये हमारा स्टेयर्स तैयार है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से अपने कमेंट्स और फीडबैक, अपनी क्वेरीज भेजते रहें। थैंक यू सो मच। इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी क्वेरी जिसमें किसी यूजर ने पूछा है कि उसको दो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पे जब उसने स्टेयर बनाया है तो वो जो ओवरलैप दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर में था, वो उस तरह को कैसे डील करना है, क्योंकि हमको डाउन स्टेयर्स देखना चाहिए, अप वाले नहीं देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लेवल टू पे एक स्टेयर जो है ना, वो लेवल टू से आप देखेंगे प्रॉपर्टी में, इट इज गोइंग फ्रॉम लेवल टू, बेस लेवल इज लेवल टू एंड गोइंग अप टू लेवल थ्री। और जो नीचे जो डाउन वाला स्टेयर जो दिख रहा है, जिसपे डाउन एरो लगा हुआ है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ पहले, ये वाला जो स्टेयर है इट इज कमिंग फ्रॉम लेवल वन, और यू कैन से इट इज गोइंग फ्रॉम, गोइंग डाउन फ्रॉम लेवल टू। तो ये अपर वाला स्टेयर नहीं देखना है। अब देख लें इसको 3D में, ये किस तरह से बना हुआ है। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेयर्स हैं। और नीचे वाले स्टेयर पे आप देखेंगे मिड लैंडिंग पे हमने रेलिंग हटा रखी है, तो वो आप देखेंगे प्लान पे तो आपको मिड लैंडिंग वाली रेलिंग, आउटर एज वाली नहीं दिख रही होगी, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। रेलिंग तो हम लगा सकते हैं, पिछले सेशन में भी बता चुके हैं कैसे रेलिंग लगाई जाती है, होस्ट की जाती है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे डील किया जाएगा। बेसिकली ये तो विजिबिलिटी है इसकी सिस्टम फैमिली की, कि ये जो अबव स्टेयर्स होते हैं, अबव स्टेप्स होते हैं, उनको जो वो डैश में या हिडन लाइन में दिखाता है। अब हम लेवल वन पे देख लेते हैं, क्योंकि लेवल वन पे इट इज एसेंशियल कि हमें ऊपर वाले स्टेप्स भी देखने हैं, हम उसको हाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्टेयर्स को जब आप वीजी में जाके एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देखिए 3, 4, 5 कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनमें एबव लगा है ब्रैकेट में, प्रीफिक्स लगा हुआ है।
तो इनको समझ लेते हैं। जैसे कि नोजिंग लाइंस है, अगर आप देखेंगे स्टेयर पे दो दो लाइन दिख रही है, एक नोजिंग लाइन है और एक राइजर की। मैंने नोजिंग को ऑफ किया, देखिए नोजिंग एक सिंगल लाइन चली गई, यहाँ से ऑफ हो गई है, नीचे की नहीं हुई है, अबव वाली हुई है। आप देखेंगे चार पाँच छः स्टेयर जो भी कट लाइन से पहले के हैं वो नहीं हुए थे, सिर्फ अबव वाले हुए थे। सिमिलरली अगर मैं अबव राइजर लाइन्स को ऑफ करूंगा, मैं अप्लाई करके चेक करता हूँ, तो एक लाइन चली गई जो राइजर लाइन है, ठीक है, नीचे वाली नहीं गई है। इसी तरह से हम देखेंगे और तीसरी चीज़ जो आउटलाइंस है, हम अप्लाई करते हैं आउटलाइंस, देखिए जो अबव वाली आउटलाइन है वो ही सिर्फ चली गई है, नीचे वाली अभी भी है। तो हमको करना कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले फ्लोर पे हमको सिर्फ यही करना होगा ये सपोर्ट्स, क्योंकि इस स्टेयर में आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट्स नहीं है, ये मोनोलिथिक स्टेयर है, अदरवाइज यहाँ पर ऊपर वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ से ऑफ हो जाता, अबव वाला, अबव मतलब जो ओवरहेड है। अब चलिए मैंने तीनों चीज़ें ऑफ कर दी, तो अब मुझे रेलिंग अभी भी दिख रही है। तो यही चीज़, इसी तरह की चीज़ आप रेलिंग कैटेगरी में, जब आप रेलिंग में जाएंगे तो रेलिंग को भी एक्सपेंड करके देखिए और प्रेस कीजिए रेलिंग पे गए, और देखिए रेलिंग में भी तीन आइटम शुरू में, हैंड रेल्स, रेलिंग कट लाइन एंड टॉप रेल। इस केस में जो रेलिंग हमारे पास है उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप रेल ही है, तो हम सिर्फ टॉप रेल को ऑफ करके दिखा देते हैं। अबव टॉप रेल, तो देखिए ऊपर की रेल चली गई है। तो हमको अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लेवल टू पे कैसे डील करना है। द स्टेप्स एंड द रेलिंग्स विच आर गोइंग डाउन, वी हैव टू शो दैट, एंड द रेलिंग्स एंड स्टेप्स एंड आउटलाइंस विच इज कमिंग अप ओवर हेड विल हैव टू टर्न इट ऑफ इन केस ऑफ कंजिकेटिव स्टेयर्स कमिंग साइड बाई साइड और वन अबव वन अदर। इस केस में तो सिर्फ एक ही स्टेयर थी, कोई स्टेयर नीचे नहीं जा रही थी, यहाँ तो सिर्फ स्टैंड अलोन एक ही स्टेयर थी, बट इसको तो हम ऑन करके रखेंगे। यहाँ पे हमें ओवरहेड वाले दिखाने होते हैं डैश में, या अगर नहीं भी दिखाने हैं तो दिस इज द वे हाउ वी टर्न इट ऑफ। तो हम लेवल टू पे चलते हैं, हमको मालूम है यहाँ पर हमें स्टेयर में क्या करना है, जो हमने आपको लेवल वन पे करके दिखाया। स्टेयर्स को एक्सपेंड करेंगे उन तीनों चीज़ों को, अबव नोजिंग लाइन्स, अबव आउटलाइंस, अबव राइजर लाइन्स, तीनों को टर्न ऑफ करेंगे, फिर रेलिंग पर जाएंगे और रेलिंग को एक्सपेंड करके अबव टॉप रेल को हम ऑफ कर देंगे, दैट्स इट। तो ये क्वेरी का सोल्यूशन है कि इसकी ओवरलैपिंग को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और हमें कट प्लेन को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। कभी भी प्लान में किसी का ये क्वेश्चन था कि हमें कट प्लेन से इसको डील करना है, तो आई विल टेल यू कि ये कट प्लेन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको पसंद आएगा और आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।